हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, UPSSC PET कोर्ट केस अपडेट। कोर्ट केस का फाइनल ऑर्डर आ गया। फैसला किसके पक्ष में? 19 जून को लेखपाल परीक्षा होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज एक कोर्ट केस की हियरिंग थी जो 19 तारीख को फाइल हुई थी। तो उसकी आज कह सकते पहली हियरिंग थी, यानी 26 तारीख को, जो मतलब बहुत बड़ा कोर्ट केस माना जा रहा था लेखपाल एग्ज़ाम को लेकर के, कि इसी पर लेखपाल एग्ज़ाम टिका हुआ है, कि लेखपाल एग्ज़ाम 19 जून को होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं कौन से केस की बात कर रहा हूँ देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, रीट ए 8149/2022, ठीक है, फाइलिंग डेट 19th में, ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 23rd में। तो मतलब कि इसमें क्या हुआ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का कोर्ट केस था। 4 केस हुए थे टोटल, इसमें से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट था। तो ये केस देख रहा है लिखा हुआ क्या, नेक्स्ट हियरिंग मतलब आज का डेट था, दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 26th में, लेकिन ये केस ओवर चुका है। स्टेज ऑफ केस फ्रेश है और ऑनरेबल जज का नाम क्या है, राजीव मिश्रा है, ठीक है। सिंगल बेंच में केस था, जुडिशियल बेंच रिट सिविल का था ये, ठीक है। फ्रेश लिस्ट था, उत्तर प्रदेश बलिया, ठीक। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, ये केस जो है फाइनली डिस्पोज हो चुका है। मैं आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, कि आप कोई भी केस करने जा रहे हो, किसी भी एडवोकेट से मिलने जा रहे हो, पहले अच्छे से जाँच पड़ताल कर लो आपकी डिमांड सही है या नहीं, और अगर आपकी डिमांड सही है तो आपके एडवोकेट उस लायक है कि नहीं, एक्सपीरियंस उनको है कि नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं पहले बोल रहा था कहीं भी नोटिफिकेशन में कॉमन कट ऑफ मेंशन नहीं था, लेकिन आप लोग कॉमन कट ऑफ की डिमांड कर रहे थे, जो हर तरफ से गलत था। नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई बात मेंशन नहीं था कि हम किस तरह से रिजल्ट जारी करेंगे, किस रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। यानी कि आयोग के पास पूरा पावर था कि वो किसी भी रिजल्ट जारी कर सकता था। अगर कहीं मेंशन किया तो नोटिफिकेशन में, तो आप मान सकते थे, बट कहीं भी नोटिफिकेशन में बात मेंशन नहीं था कि हम कॉमन कट ऑफ ही देंगे, ठीक है, यानी कि फिक्स कट ऑफ ही देंगे। इस वजह से उनका वो रिजल्ट वैलिड है और अब कोई भी इस पर रोक टोक नहीं हो पाएगा, और आपका जो एग्जाम है लेखपाल का 19 जून को 100% होगा, उसे भी अब कोई रोक नहीं पाएगा होने से, ठीक है। फ्रेंड्स, जो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि आप लोग पैसा खर्च करने से पहले सोच लीजिए, सोच विचार कर लीजिए, आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। अब आप लोग उससे मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग नेक्स्ट पेट का प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इसमें अब और कुछ आप नहीं कर सकते हैं। जब एक बार आपका केस डिस्पोज हो चुका है, दोबारा भी आप ट्राई करेंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।